ना शूज और सूट से मैच हो गया ना। इसके साथ का दुपट्टा बहुत प्यारा था, वो पहनने में ज्यादा अच्छा लगता, पता नहीं मैचिंग हो गया व्हाइट बस। रूम हमारा पूरा खाली हो चुका, सामान सारा बाहर निकाल लिया, आ जाओ हम यहाँ पर चलते हैं। पहली जगह आंशी के नाम से ये रेस्टोरेंट है, रास्ते में आता है। 6000 इस रूम का रेंट भरा है हमने और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 6000 में मतलब सही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसे हम रावलपिंडी में रह रहे थे वो रूम आपने देखा था, वो 7500 था उसका रेंट और इसका 6000 है, बाकी खाने पीने के साथ 8000, 2000 ऊपर लिए। बस ये थोड़ा सा मैंने कहा डिटेल दे दूँ, अगर कोई भी यहाँ से गुजर रहा है डिमांशी नाम का रेस्टोरेंट आएगा बालाकोट में, जो कि साफ सुथरे रूम मिलेंगे और एक हसीन सा व्यू भी मिलेगा। शाम पे काट लेगा, शाम काट लेगा उधर। अम्मी मेरे वाइट जूते अजीब तो नहीं लग रहे? अच्छे लग रहे। मामा तकरीबन एक दो घंटे का है। हाँ यहाँ पे गर्मी है, चले बैठे बैठे थे। हाँ सब्जी वाली दुकान है ना बालाकोट में है, बालाकोट आ गए, बालाकोट में है, तो से मिले ना मिले हम यहाँ से। ओ आप बैठो, आपको बुला कर से दरवाजे पर देखा हो उसको उठकर देखते। एक किलो काफी है ज्यादा मेरे ख्याल में। मीठे हैं आम यहाँ के, सही निकाल के दीजिएगा। एक किस्ते के लिए कुछ सब्जियाँ और फ्रूट हमने ले लिए हैं, बाकी मेरे हस्बैंड वहाँ से सामान लेने गए हैं। नहीं दे रही ना किसी को मम्मी, सब्जियाँ और फ्रूट भी ले आई हूँ, साथ में जो है ना आम भी कटवा लिए हैं कि आप टेस्ट करो। चलो मैं एक उठा लेती हूँ, टेस्ट करती हूँ वैसा मीठा है या नहीं। बहुत तारीफें किए कि बहुत मीठा है। ये पकड़ आप खाएं, ये देना, ये है मेरे पास, मैंने उठा लिया। तो ये देखो मजेदार मीठा सा मैंगो पहाड़ों का। अम्मी खाएं मीठा है। सारे फ्रूट यहाँ पर देखें, आगे चलकर देखेंगे हो सकता है कहीं पर आम का भी दरख्त हो, क्योंकि बाकी फ्रूटों के दरख्त दिख रहे हैं, एक आम का नहीं दिखा है ना, आम कहीं पर भी नहीं दिखा। शायद ये गर्म इलाकों में होते हैं क्योंकि वहाँ पर ये पकता है, ठंडे इलाके में आम नहीं पकता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो अभी हमारा न्यू व्लॉग स्टार्ट हो गया है, अभी हम जा रहे हैं नारायण कागान की तरफ। देखो आगे कितना खूबसूरती है, खूबसूरत रास्ते तो शुरू हो गए हैं, लेकिन नारायण कागान को हमेशा मैंने देखा है, टिकटॉकर हमेशा जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं टिकटॉक की, शॉर्ट वीडियोस, हर कोई वहां पर जाता है और डालता है और नारायण कागान मेंशन होता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि कभी जाऊँगी। इस दफ़ा जब हम निकले थे कराची से तो मैंने सोच लिया था, हालाँकि कश्मीर और नारायण कागान दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है, लंबे रास्ते पड़ जाते हैं, फिर भी मैंने सोचा कि आप एक साइड पर जाना है, कश्मीर जाए या उधर जाए। मैंने कहा नहीं, एक महीने का टाइम है हमारे पास, तो मैं तो जरूर नारायण कागान से होके जाएंगे, फिर बाद में बाकी जो रह गया कश्मीर उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, पहले नारायण कागान जरूर जाएंगे। 1-1.5 घंटे का रास्ता बाकी रह गया, तो बस इंजॉय करो हमारे साथ। और कैंपिंग के लिए भी थोड़ा बहुत हमने यहाँ से सामान लिया है। इस साइड पे भी देखो रेस्टोरेंट है, ये भी प्यारा व्यू है ना, ये भी काफी प्यारी जगह पे बना हुआ है। खूबसूरत रास्ता जो है ना हमारा माशाल्लाह से शुरू हो गया, जा रहे हैं ना, आप देखते जाओ हमारे साथ, देखते जाओ। इस साइड का व्यू ज्यादा प्यारा आ रहा है। पीछे सबका खाना पीना चल रहा है यहाँ के, जाते जाते रावला कोट के पकोड़े भी खा, रावला नहीं था बालाकोट, बालाकोट अम्मी एक जो मिर्ची वाले हैं। हाँ यहाँ के पकोड़े तो वैसे भी बहुत मशहूर है। तो ये जो दूर से पहाड़ दिख रहे थे ना, देखो ये वाले, अब यहाँ से बीच बीच में से रास्ते हैं जहाँ से हमें गुजरना पड़े। पहाड़ देखिए कैसे लग रहा है, ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ है ना, अम्मी की साइड पर आई है, मुझे तो नीलम लग रहा है। किसी से पूछ लेते हैं ना, ये देखो झूला बीच में। ये जब भी सफर करो ना ऐसे इलाकों का, यहाँ से पकौड़े जरूर ट्राई करना, किसी भी छोटे शॉप से लोगे ना पकौड़े बहुत टेस्टी। कनार। शुक्रिया शुक्रिया, कनार नाम था। आपके घर भी अच्छे अच्छे हैं वैसे, ये भी हरियाली है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वॉइस पे एक सॉन्ग बना हुआ है ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें, तो हमारी जो है ना पहाड़ों से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। ये भी रेस्टोरेंट है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट पे हम रुके थे ना वो भी अच्छा था, व्यू अच्छा उसका। हाँ ये देखो, आपको अल्लाह पाक कितना देगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि हम तो इधर आ भी नहीं सकते, आप ले आई हमें। अभी बस आप मुझे दुआएं देती थी, मेरे लिए यही बहुत है। आपको खुश रखेगा, खुश रखेगा YouTube फैमिली, अम्मी मैंने YouTube फैमिली हमें ये सफर कर सकते, आपको सपोर्ट किया और आप बड़ों की अदब करती हो, हम बहुत दुआएं देंगे। मम्मी तेजी से कैसे जा रहे, देख के डर भी लगता है ना। ये वाला देखो, ये रेस्टोरेंट फूलों में रेस्टोरेंट है ना,
होटल काफी खूबसूरत बना हुआ। हम अगली बार इधर रुकेंगे, ये ज्यादा प्यारा है। पहाड़ों के सामने व्यू है ना। हाँ मैं ये देखो इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, हम तो वो पहले वाले पे रुक गए थे। चलो नेक्स्ट टाइम हम ये जो फूलों वाला फूल से भरा हुआ था ना, हम उस पे रुकेंगे। ये रॉयल पार्क होटल, ये भी यहाँ पे अभी शायद बना है। दरिया के किनारे ना जाएं, देखो दरिया इतना डेंजरस है तो मना कर रहे हैं ना। थोड़ा सा मैं देख के आ जाती हूँ। तो ये देखते हैं, ये देखो इतना तेजी से। पानी का शोर देखो कितना है। वहाँ के जो रहने वाले हैं वो देखो वहाँ पे बैठ के तस्वीरें बना रहे हैं, नहा रहे हैं, उनको तो डर ही नहीं लग रहा। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। ये गाड़ी आ रही है, आ रही आ रही हूँ। अभी हमने अपनी गाड़ी रोकी यहाँ से, देखो कितना ऊंचाई पर है ये पहाड़। चलो देख लिया, बहुत तेज स्पीड है अम्मी नीचे। लोग फिर से उतरते हैं, देखो कितना प्यारा व्यू है। यूट्यूब फैमिली मोटर चलाई है, पानी चश्मे का पानी है, क्या पी भी सकते हैं? और ये देखिए ये चश्मे का पानी है, ये पहाड़ों से आ रहा है बगैर मोटर के, देखें प्रेशर देखें, और ये पीने के लिए बहुत ही मुफीद है। आए पीछे हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, फेस फेस वॉश करो। शाबाश, चलो आ जाओ आराम से आराम से। जूतों की हालत हो गई है, देखो ये चश्मे का पानी पीने के लिए। ये जो है ना, हमें ये वाला रोड क्रॉस करना है और इस वाली जगह पर जाना है। तो ऐसी जगहों पर आकर दिल खुश हो जाता है कि अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरती दी है इस दुनिया में, और हर किसी के मुल्क में है। जहाँ पे भी चले जाओ, पाकिस्तान में जैसे खूबसूरती है, ऐसे इंडिया भी बहुत खूबसूरत है। तो हर एक जगह पर ये खूबसूरती है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जब अम्मी मुझे इतनी दुआएं दे रही होती है। किसी तरह कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ पर आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी अम्मी, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ हर एक जगह पर घुमाने के लिए लेके जा सकती हूँ। तो जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, और ये सब आप सब की वजह से है। आप सब ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है कि देखो मैं पूरी फैमिली के साथ, ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ कि इतना खूबसूरत जगह है। तो ये देखो अभी हम कितना खूबसूरत जगह पर हैं। यहाँ पर सारी लकड़ियाँ हैं जंगलों की, जंगल से देखो काट काट के यहाँ पर बना के रखी हुई। तो हर कोई यहाँ से आता है, होटल वाले सब लेते हैं। कैंपिंग करेंगे ना तो हमें भी लकड़ियाँ चाहिए। पता आगे पता नहीं हमें कहीं मिलती है या नहीं मिलती। यहाँ पर देखो इतनी अच्छी अच्छी सूखी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये वो देखो है डाल रही है, ज्यादा नहीं लेनी, फिर गाड़ी में जगह का भी मसला है। इतनी काफी होंगी मेरे ख्याल से। मम्मा, ये आपका झूला नहीं है, थोड़ी 700 का। आयत क्या कर रही है? कितने का भी बताओ, 700 का 40 किलो, 700 रुपए की 40 किलो लकड़ियाँ। और ये कितनी ली हमने ये तकरीबन 5-7 किलो है। जल्दी भी वैसे है ना, चलो थोड़ी सी बिल्कुल हा? ये इसमें गिली भी है, ये ना सारा दिन जलाते रहे बस। ये वाली गिली है, ये मोटी मोटी ना, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। सूखी लकड़ी है, गिली है, कुछ कौन सी साइड पकड़नी, छोटी छोटी उठाना, बारीक बारीक। हाँ ये सही है। चलो हमने बहुत सारी लकड़ियाँ जंगल, इस घने जंगल के बीच में से, फैमिली आप देख सकते हो, हमने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर ली है, प्यारी काट काट के यहाँ पे रखी। चलो इसका वजन करें, पैसे दें और चले। फैमिली ये हमने जो लकड़ियाँ ली हैं हम अपनी कैंपिंग के लिए ले रहे हैं, कि पता नहीं आगे मिलती हैं या नहीं मिलती। रास्ते में बहुत ढेर सारा लकड़ियों का लगा हुआ था और काफी खूबसूरत भी लग रहा था, तो इस वजह से हमने ली। कितने की बनी है? 100 की। वाली जो लकड़ियाँ ना ये ज्यादा जलती हैं, छोटी वाली के पीछे क्या है? मुझे ऐसा शौक है ना यहाँ पे हर एक जगह को देखने का कि कोई भी जगह मिस ना। यहाँ पर आओ तो पीछे इतना खूबसूरत जगह पे किसी का घर दिखा मुझे, दिखाती हूँ एक मिनट यहाँ से। वो देखो इतनी प्यारी जगह पे घर है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ना। जो लोग यहाँ रहते हैं वो सामने भी है, वो एक ये देखो ये भी है, लेकिन ये वाला ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल दरख्तों के बीच में। रात में वैसे डर तो लगता होगा ना, खैर इनकी आदत हो गई है, आदत हो गई इनको डर नहीं लगता होगा। ये पहाड़ी लोग हैं यहाँ की, उई उई, उई।
माशाल्लाह जिस तरफ भी नजर घुमाओ ना इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि नज़ारा हम कौन सा देखें। अब मैं वापस चलती हूँ, यहाँ से हमने कुछ लकड़ियाँ ली और मैं सोच रही हूँ कि लकड़ियों के पास से तस्वीर एक खिंचवा लूँ। ये देखो इस साइड पे, मतलब ये सारा गांव है, इस साइड पे सारे घर ही घर हैं। ये सामने रहा ना चश्मा, ये साफ पानी यहाँ से आ रहा है। देखो ये गांव वालों को इसकी सहूलत है ना, हर जगह पर साफ सुथरा पानी। हाँ आ रही हूँ, एक मिनट। चलो चलो चलो, लकड़ियाँ देख रही हो? हाँ स्लाइड झूला आगे मिलेगा। ऐसी जगह पर जब हम आते हैं ना, मजीद हम और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरती दी है कि ना दिमाग फ्रेश हो गया। ये अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करने का दिल कर रहा है। चलो बाकी सब अंदर बैठे, इसको सुकून नहीं था, साथ आना था। जो बन गई लकड़ियों की जगह। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ना, यहाँ पर घरों को देखें कि नीचे सारे एक से एक पत्थर ज्वाइन हुआ हुआ और ऊपर ऐसे मकान बनाए हुए हैं। अब देखो कि यहाँ पे चपली कबाब कैसे कौन सी खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। ये पकड़ने अपना मैंगो शेक भी यहाँ से ले लिया, हमने आइसक्रीम ली और हमने अपना मैंगो शेक। जैसे हमने यहाँ से मैंगो शेक लिया ना, रास्ते में एक और भाई भी आ गए कि हमारा काबली पुलाव जरूर ट्राई करके जाओ, अच्छा मिल रहा था तो सबके लिए ले लिया। आयत को मुझे लगता है बहुत पसंद आ गया। देखो मैं कह रही थी कि हम जा रहे हैं पहाड़ों में, पता नहीं पेट्रोल मिलेगा नहीं। देखो हर जहाँ पे भी पहाड़ों में बीच में कहीं सिटी आ रहा है ना, तो पेट्रोल भी साथ में। हम ये ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, तो ये है वो दरियाए कनार है, इसको बोलते हैं। तो इसकी स्पीड आप चेक करो कि कितना तेजी से पानी जा रहा है। हम वहाँ से ये देखो आ रही है। अब सफर हमारा पहाड़ों का शुरू हो गया, सिटी हमने क्रॉस कर ली है। ये देखो अब इस रोड पे जाएंगे, सारे नजारे जो है ना आप यहाँ से देखते जाओ। बहुत ज्यादा गहराई और घर देखो ऐसे छोटे छोटे लग रहे हैं। रोड से थोड़ा सा एहतियात से जाना पड़ेगा, अभी तो हमें ऊंचाई शुरू हुई है, इससे भी और ऊपर जाएंगे हम। अब ये पहली एक दो लाइन हम ऊपर गए। कौन सी जगह जहाँ पर अभी हम रुके थे, कौन सा सिटी था यहाँ पे? अभी तक बालाकोट चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। बालाकोट भी बहुत बड़ा सिटी है और ये देखो नीचे इनकी जमीने घर काफी खूबसूरती नजर आ रही है ऊपर से। वो हमारी फैमिली, कितना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ का व्यू सामने। अच्छा अच्छा अभी दिखा मुझे, ये रहा चश्मा, मम्मी आपकी साइड पर आ रहा है। इतना खूबसूरत है, हरा भरा, हरियाली हरियाली। नारायण कागान आगे दर कागान 64 है और नारायण 88 किलोमीटर है और शुगरान जो है ना 34 किलोमीटर आगे। देखो कितनी ज्यादा जगह है घूमने फिरने के लिए। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना, अभी देखो यहाँ से जो रास्ते क्रॉस करके फिर वापस दूसरे पहाड़ पर जा रहे हैं। फुल जोर लगा के ऊपर लेकर जाना पड़ता है गाड़ी को। वो जो रोड दिख रहा है ना, पहले हम उस रोड पर थे, अब वहाँ से यहाँ पे, यहाँ से देखो ऐसे छोटे छोटे पतले रोड दिख रहे हैं। बीबी सो गया नमुन्ना, देखो इतना ऊंचे और बड़े पहाड़ के पास जा रहे हैं। अभी ऊपर ये सामने और भी, हाँ अभी और भी हम ऊपर जा रहे हैं। गाड़ी का जोर लगता है, अरे बंदे का जोर लगता है तो गाड़ी लगता। चढ़ाई पे ड्राइवर का भी जोर लगता है। किधर देखूं? हमने सोचा कि हम यहाँ पर थोड़ी देर रुक के ना यहाँ का व्यू देखते हैं, को थोड़ा सा और पास जाकर। ये देखो यहाँ का व्यू माशाल्लाह। मैं आपको वो दरिया दिखाती हूँ जो रास्ते में हम रुके थे ना, देखो ये इतना नीचे, और यहाँ से भी इसकी स्पीड आप चेक करो कि कितना तेजी से ये बह रहा है। बाद नीचे देखो यहाँ पे भी ये घर बना हुआ है, तो पूरे पहाड़ जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ घर ही घर है। आगे नहीं जाएं, गहराई है बहुत ज्यादा। नहीं यहाँ पर है आगे, ये देखे ना कितने खूबसूरत हसीन वादियों को जो है ना, इन खूबसूरत पहाड़ों को इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
ऐसे लगता है थोड़ी देर के लिए मैं इधर ऐसे ही खड़ी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चक्कर आ जाएंगे पीछे। चले चले आ जाए। ये वाला व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी खूबसूरत है ना। हमने एंजॉय कर लिया, सबने खाना भी खा लिया, पर मजा आया। हमने रील बनाई और यहाँ पर देखो बच्चों का मैच चल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हवा से ठंडी चल पड़ी है ना। पहाड़ों के बीच में हमारी गाड़ी देखो इतनी अच्छी लग रही है। ये पहाड़ वाले दिन रात सुबह मॉर्निंग उठते बैठते इतना खूबसूरत व्यू देखते होंगे, चाय पीते हुए भी यहाँ का खूबसूरत नजारा देखते होंगे। सबसे ऊपर वाला पहाड़ है ना वो वैसा लग रहा है जैसे बर्फ वाला हो, ये व्हाइट लग रहा है देखो बिल्कुल सामने, ये देखो व्हाइट पहाड़, हाँ वो देखो जैसे वो मूवीज में वीडियो में देखते हैं, ये बर्फ वाला लग रहा है जैसे सारी बर्फ, वहाँ ठंड बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर देखिए अम्मी हरियाली कितना ज्यादा है, हाँ मुझे लगता है ऐसा कश्मीर का भी रास्ता था, जब कश्मीर गए थे ऐसा रास्ते में एक जगह आई थी ना खूबसूरती, तो अभी यहाँ से शुरू हुई है कि यहाँ पे जो है ना पहाड़ बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ है। और ये नारियल कहाँ से लाए हो आप? श्रीलंका से आता है। श्रीलंका का? ये देखो रोड पे इतने ज्यादा नारियल लगाए हुए हैं, आलू बुखारा है, कुर्बानी है, कुर्बानी है वो ऑरेंज वाली बीच में पीली, रियल का पानी पीना किसी ने। यहाँ से तो डर लग रहा है जहाँ पर अभी गाड़ी खड़ी हुई थी, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, बस और ज्यादा मत यहाँ करीब रखो, ये देखो पानी हमने पी लिया। और ये आगे हमारे पास कोकोनट, कैसे हमें उन्होंने काट के बना के दे दिए। चलो आयत को हिस्सा बिल्कुल नहीं मिलेगा, आयत ने बहुत तंग किया, बिल्कुल ना सो रही है ना आराम करती है, बस अम्मी मुझे एक दे दे बाकी सबको देना। रास्ता देखो कैसा शुरू हो गया, खतरनाक भी है और खूबसूरत भी है। सामने देखें कपड़े सुखा रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ के रहने वाले, सेल होने वाले हैं। दूर इस साइड पे देखो ऐसे लगा जैसे ना यहाँ पे कोई कपड़े सुखाने के लिए। कौन सा आपका चॉकलेट केक? यहाँ से चॉकलेट केक इसको याद आ गया पहाड़ों में। अभी रास्ता देखें बिल्कुल पतला, इस साइड पे देखो तो डर लगता है, आप बस सामने ही देखना, आपने नहीं इधर उधर देखो। मैं सारी वीडियो बना रही, पूरा व्लॉग आप घर पे जल कर देखना वापस। मुझे वॉशरूम जाना। आगे नहीं जाना, इधर ही रुकना। पहाड़ों के बीच में छोटी सी ये देखो शॉप और यहाँ पे ये छोटा सा वॉशरूम, और जहाँ पे रुके हैं ये देखो नीचे भी पानी आ रहा है, ये भी चश्मे का पानी होगा इतना साफ सुथरा आ रहा है। जहाँ पे हम रुके हैं ना यहाँ पे बिल्कुल सामने वाला पहाड़ देखो कि ये कितना खूबसूरत है, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ पे ना ग्रीन कारपेट बिछाओ और ऊपर इतने प्यारे प्यारे दरख्त, वहाँ सामने चश्मा है देखो, वहाँ काफ़ी लोग रुके हुए भी हैं ये सामने। तो अभी तैयबा वॉशरूम गई हुई है, यहाँ वेट करना पड़ेगा आया था आपको, तब तक सामने देखो दुपट्टों की कितनी लंबी लाइन है, मैं अपने लिए दुपट्टा ले लेती हूँ। ये देखो मुझे चाहिए था एक, मेरे ब्लैक सूट के साथ का दुपट्टा नहीं है, तो ये वाला दुपट्टा कितना प्यारा है, ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है, ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक ये वाला ले लेती हूँ। अम्मी आपको कोई किसी के साथ का दुपट्टा मैच करना है? नहीं, आपके सूट का कोई सूट का मैच करना तो यहाँ पे सारे लगे हैं। अपने लिए दो लिए क्योंकि दोनों मुझे एक ब्लैक चाहिए था एक वाइट चाहिए था। दूसरी साइड पे इनकी सारी शॉल लगी हुई है और ये इनकी छोटी सी शॉप है। यहाँ का ये जो व्यू है ना काफी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। चलो भागो भागो, ये रोड क्रॉस कर रही है अभी, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी जगह है, हम सारे साथ आए हुए, हरियाली बहुत है, बूढ़ा आदमी भी ऊपर आ गया देखो। जो भी यहाँ पे मुझे कमेंट कर रहा था ना कि रास्तों का नारायण कागान का रास्ता सही नहीं है, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अभी भी नारायण कागान अच्छा खासा दूर है, इस वजह से
हम हर एक जगह पर थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के जा रहे हैं, व्यू भी सारा आपको दिखाती जा रही हूँ, वीडियो बनाते जा रहे हैं, तो थोड़ा लेट पहुँचेंगे, लेकिन यह है कि सारे नज़ारे जो है ना जितने भी हैं सबका व्यू देखते हुए जा रहे हैं। ये देखो मेरे हस्बैंड और आयत को देखो नीचे पहुँचते, नीचे गए हुए हैं, वो देखो आप नहीं जाना, वो देखो एंड में नीचे गए हुए हैं, सही अपना एंजॉय कर रहे हैं, देखो वहाँ पे गए हुए हैं, आ रहे हैं इतना नीचे चले गए थे, साथ आया था, रास्ता सही नहीं है, आप भी उल्टे उल्टे रास्तों से आ रहे हो, अब ये कोई रास्ता था आने का, आ जाओ चलो, आपके पापा को बहुत शौक लगा हुआ है ऐसे रास्तों में जाने, चलो अब आगे अपना सफर कंटिन्यू करें। मम्मी बर्फ वाले पहाड़ वहाँ से बादल बन रहे हैं, जैसे धुआं निकल रहा है, ये देखो देखो हमें जैसे यहाँ पे ना बादल बन रहे हैं, धुआं निकल रहा है, ये देखो आप लाइव देखोगे बादल देखो कैसे बनते हैं, ये अल्लाह पाक की कुदरत है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत मंजर है, ये देखो यहाँ पे नीचे सबके घर हैं जो कि डेली ये नज़ारा देखते होंगे, प्यारा लग रहा है। हाँ बर्फीले पहाड़ के पास जाएंगे, इतना ज्यादा ऊपर चोटी पे ये वाला व्यू देखने का, ये वाला माशाल्लाह, हमने जिससे भी पूछा सबने कहा है कि शोगरा जरूर जाइएगा, शोगरा जो है ना काफी खूबसूरत इलाका है, तो खूबसूरती तो यहाँ से खैर शुरू हो गई है, अब देखो शोगरा जाकर, शोगरा ना जाकर पता चले कैसा है। हमारी तो पहाड़ों से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, ये नजारा, हाँ मुस्तफा को तो जगाओ, ये खूबसूरत नज़ारे तो देखिए, देखो अब मुस्तफा का सुन के आ रही है खुद, यहाँ नहीं है वो, कश्मीर में पुदीना ज्यादा। मम्मा का ब्लॉगर बेटा सो कट गया, वो खूबसूरत नज़ारा होगा देखने का। ऐसे यहाँ पर गुजर रहे थे तो ये देखो यहाँ पर सारा ये हनी है, ये डब्बों के अंदर कैद किया हुआ इसको, पालतू है ना, पालतू है, अच्छा तो जो भी है यहाँ से पहाड़ी हनी भी लेकर जाए, हम भी वापसी पे लेके जाएंगे। अम्मी जब हम वहाँ वापस जाएंगे ना कुछ दिन, हमें वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कराची जब वापस घर जाएंगे। यहाँ रुक के हमने सारी मालूमात की, तो शुगरान वो ऊपर है, अगर खूबसूरती देखनी है तो ऊपर शुगरान जाना पड़ेगा, और नीचे कौन सा नारायण का रास्ता, नीचे नारायण जाना, नारायण भी खूबसूरत है, लेकिन हमने रास्ते में जिससे भी पूछा सबने कहा कि शुगरान बहुत खूबसूरत है, वो देखते हुए जाइएगा। फुल ऊपर पहाड़ के टॉप पे जा रहे हैं, शायद वो बर्फीला पहाड़ भी तेबा दिखेगा के लिए। सबसे पहले आपका थैंक यू कि आपने हिम्मत की, अपना दिल बड़ा किया माशाल्लाह हमें ऊपर लेकर जाने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी है ना शुगरा जरूर जाए, बहुत बहुत खूबसूरत है, आराम से बस थोड़ा सा यहाँ पे कच्चा रास्ता है, बाकी सब सही है। भी सारी यहाँ की ब्यूटी है ना, मैं सारा व्लॉग बना रही हूँ और आपको घर पे चल के दिखाऊंगी जैसे वहाँ स्टे करेंगे। क्यों रोक, अम्मी और चाचू दोनों उधर उत्पाक पड़ रहे हैं, बस इस साइड पर गाड़ी रखना, इधर से मत रखो, असल में वहाँ से फिर गाड़ियाँ आ भी रही है ना, देखो बस आप नज़ारे देखते जाओ, मैं तो वापस घर जाके कराची नज़ारे देखूंगी मुझसे नहीं देखा जाता नीचे। जो भी है यहाँ पर जरूर जाए, बहुत ज्यादा खूबसूरत रास्ता है यहाँ का, अभी तो हम ऊपर नहीं पहुँचे, अभी सिर्फ नीचे नीचे घूम रहे हैं, और बस डर बहुत ज्यादा लग रहा है, इस साइड पर देखा नहीं जा रहा, आराम से, डेंजरस खतरनाक रोड आया था, मोड़ आई थी, बस अब ठीक है, अभी सांस ली अभी लेने की फुर्सत, ऐसे रोड है ना एकदम से ऊपर मोड़ना पड़ता है, देखो अम्मी अब मेरी साइड से आ गया अभी आ गया आराम से ये देखो ये वाला थोड़ा कच्चा रास्ता है, बना रहे अम्मी बिजली से मिटा के, इतना है हरा भरा ना, इतना हरियाली में, अभी भी देखो ऊपर रोड जा रहा है, अभी भी और ऊपर जा, लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पे, लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो अगर आपको खूबसूरत जगह देखना है तो ये आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, देखो अभी कच्चा रास्ता है, पे कह रहे हैं चेयर लिफ्ट है, चेयर लिफ्ट में मर जाऊंगी मैं, इतनी ऊंचाई से चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठ सकते, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं, अभी चेयर लिफ्ट पे भी बैठना है, कुछ दिखा पार्क
भी है यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, पार्क भी है। सारे हम विजिट करेंगे, जो प्यारा होगा ना हम वहाँ पर रुकेंगे। हाँ अभी घोड़े भी हैं। कैंपिंग की है, किसी ने कैंप लगाया हुआ है। देखो ऊपर तो सब कुछ मिलता है, शॉप भी है, इतना ऊंचाई पे सब बना। अभी जो ना बहुत ज्यादा हम थक गए, इस वीडियो को मैं इधर एंड करती हूँ। और रास्ता बहुत खतरनाक था, लेकिन ऊपर आकर थोड़ा खुशी हो रही है। अभी मैं सोच रही हूँ कि 2-4 दिन जो है ना इधर स्टे कर लेते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। बहुत बड़ा है, ऊपर पार्क बना हुआ है और बैट बॉल भी साथ में लाए थे। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग भी है और भी काफी खूबसूरत रिजॉर्ट है यहाँ पर। तो इतना लंबा सफर हम करके आए, तो मैं यही सोच रही हूँ कि कम से कम 2 दिन तो यहाँ पर रुकना ही चाहिए। बहुत प्यारी जगह है, कोई रिजॉर्ट ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पर होटल रिजॉर्ट बहुत ज्यादा है। आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज करो करते हैं। तो एक नया खूबसूरत व्लॉग में आपको मैं मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।